बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कनाडा इमिग्रेशन के एक ऐसे प्रोग्राम, ऐसे प्रोविंस के बारे में बात करेंगे जिसका शायद आपने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज। ये कनाडा का एक ऐसा प्रोविंस है जो आपको कनाडा का पीआर वीज़ा और वर्क परमिट दोनों का ऑप्शन देता है। और ख़ास बात यह है कि इस प्रोविंस में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके 3-4 मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं और इसमें तमाम ऑक्यूपेशन यानी मैट्रिक और एफए पास लोग हों या इंजीनियर्स हों, तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टाइप 0, A, B, C और D। सी में ज़्यादातर स्किल टाइप और डी में आपको पता है लेबर जॉब आती हैं। इसी तरह 0 और A, B में जो ज़रा जिनकी तालीम होती है, जिनके पास डिग्री है, वो लोग आते हैं। तो तमाम लोग, दोनों ऑप्शन है, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहें या फिर आप कनाडा की इमिग्रेशन लेने के लिए पीआर अप्लाई करना चाहें। तो आप अगर इस प्रोविंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयर कौन सी ऑक्यूपेशंस हैं जिनके लिए वो हायरिंग कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड देख लें, फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। इस प्रोविंस में जो करंटली हायरिंग हो रही है वो है जेनेटर सुपरवाइज़र, येलो नाइफ कैनेडा। येलो नाइफ एक ऐसा जगह है कैनेडा का कि इसमें से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो आप पूरी डिटेल्स को ध्यान से देखें। तो पहली पोजीशन है जेनेटर सुपरवाइज़र, दूसरी है हाउसकीपर और जेनेटर्स जो सफाई वाले होते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस, बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट, जर्नल लेबर, एंट्री लेबर, क्रशर पोजीशंस जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं, इक्विपमेंट ऑपरेटर, शॉवल, हैवी इक्विपमेंट टेक्नीशियन, इक्विपमेंट ऑपरेटर, इक्विपमेंट ऑपरेटर, हॉल ट्रक, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट टेक्नीशियंस, स्मॉल इंजन टेक्नीशियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, परचेजिंग स्पेशलिस्ट, कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लर्क, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, टेम्परेरी हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, कैशियर, डेंटल रिसेप्शनिस्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ट्रक ड्राइवर्स, अकाउंटिंग क्लर्क, मैथ और साइंस की टीचर्स, जूनियर हाई स्कूल टीचर, नर्सेज, सोशल वर्कर, प्लम्बर, ऑयल बर्नर, मैकेनिक, नर्सेज, कारपेंटर, पेंटर, जनरल टीचर्स, कारपेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो दोस्तों, अगर आप फैमिली समेत कनाडा इमिग्रेट करने के लिए इस प्रोविंस की प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये याद रखें कि इसके लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ना इसमें कोई आईटीए का चक्कर है, ना कोई पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है, ना ही किसी और किस्म का झंझट है। इसमें ज़्यादा सीधा सीधा इसमें नॉमिनेशन आता है प्रोविंस की तरफ से। लेकिन तमाम प्रोग्राम्स में जो एक बेसिक फैक्टर है वो है जॉब ऑफर का, और जो लोग पीएनपी पे पूरे नहीं उतरते हैं वो वर्क परमिट की तरफ जा सकते हैं, यानी कनाडा का वीज़ा फॉर वर्क दे कैन अप्लाई। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैंने आपको ट्रेंड्स बताए कौन कौन से ऑक्यूपेशन के लिए डायरेक्ट हायरिंग हो रही है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप वहाँ एम्प्लॉय ढूंढें। एम्प्लॉय ढूंढने का क्या तरीका, आइए मैं आपको बताता हूँ। कनाडा के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एम्प्लॉयर तलाश करने के लिए आपने इस पेज पे आना होगा। यहाँ 3-4 इन्होंने रिसोर्सेज वहाँ के इमिग्रेशन ने खुद दी हुई हैं, जिसमें एक है नॉर्थ जॉब बोर्ड, ये इनका ऑफिशियल जॉब बोर्ड है। इसके अलावा जॉब बैंक कनाडा, इसी तरह GNWT कैरियर्स, नॉर्थ न्यूज सर्विसेज जॉब लिस्टिंग्स, इसी तरह इंडीड, ये सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ आपको इस प्रोविंस के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो मिलेंगे। तो दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन के लिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम या वर्क परमिट, ये एक तरह का शॉर्टकट है। तो आप में से वो लोग जो पीएनपी के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने उन्हीं के लिए इस वीडियो के शुरू में जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं इस प्रोविंस में वो बताएं। तो आप कोशिश करें अच्छे तरीके से अपनी रेज्यूमे बनाएं, एक ही रेज्यूमे बार बार उठा के तमाम जो जॉब्स हैं उनके लिए या एम्प्लॉयर्स को ना भेजें। आप इस प्रोविंस में ट्राई करें, इसमें अप्लाई करने वालों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये मौका है, इससे फ़ायदा उठाएं। हो सकता है ये जो ट्रेंड हैं जॉब्स की, ये चेंज होते रहते हैं, तो आपने वक्तन फवक्तन ट्राई करते रहना है, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है। कनाडा इमिग्रेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कोई शॉर्टकट सोल्यूशन नहीं है। इस चीज़ को जहन में रख के आप ट्राई करें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में पूरी तफसील जानना चाहते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नॉर्थ वेस्ट पीएनपी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। काइंडली आप उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर इस प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई सवाल है तो काइंडली आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।